नमस्ते दोस्तों, आज हम कर रहे हैं पाव भाजी मसाला की रेसिपी। मसाले की रेसिपी यानी जैसे मसाला बनाते जो डालते हैं भाजी में, उसकी हम रेसिपी बताएंगे। इजी है, आप भी ज़रूर बना के देखिएगा। और घर के मसाले की बात ही कुछ और है, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 5 चम्मच धने और 3 चम्मच हम लेंगे जीरे। धने 5 चम्मच हो जाए, हो गए 5 चम्मच। अभी हम लेंगे जीरा, तीन चम्मच जीरे लेंगे हम। हो गए हैं 3 चम्मच जीरे। और अभी 1 चम्मच हम लेंगे सौंफ। ये धने, जीरे, सौंफ सब एक इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, औषधि गुण धर्म है, इसीलिए ये शुरू से ही बहुत सालों से यही यूज़ कर रहे हैं मसाले में। और धीमी आंच पे इनको भूनना है, और जब उनका सुगंध आने लगे तो फिर बंद करना है गैस और प्लेट में निकाल लेंगे। धीरे धीरे ही भूनना है इनको। ये देखिए हो गया है। अभी हम डालेंगे तेज़पत्ता, 2 तेज़पत्ते, 2 कलमी और 8-10 लाल मिर्ची सूखी और 8-10 लवंग, 1 बड़ी इलायची, और इनको हम धीमी आंच पे भूनेंगे। और हर एक मसाले का एक एक गुणधर्म रहता है। तेज पत्ता से सुवास बड़ी अच्छी आती है, कलमी सेहत के लिए अच्छी है, तो उन्हें भी धीमी आंच पे सौटे करके निकाले हैं, ठंडा करने के लिए रखे हैं। और अभी हो गया है ठंडा, और अभी जार में डाल रहे मिक्सर के, और मिक्सर से जार में डाल के हम और भी पाउडर मसाले डालेंगे, जो कि इसको और ही एक अच्छी क्वालिटी, अच्छे गुणधर्म है। सब मिलके बहुत ही अच्छा मसाला बनता है। ये तो बेसिक मसाले हैं जो हमने भुने थे, और अभी और टेस्ट बढ़ाने के लिए हम उसमें डालेंगे लाल टिकट, कश्मीरी लाल टिकट 1 चम्मच भर के, और ये डाल रहे हैं हम आमचूर 1 चम्मच भर के। और इसमें से चटपटापन लगता है, खट्टापन थोड़ा सा, और मज़ेदार टेस्ट लगती है। और डाल रहे हैं काला नमक, इसमें बड़ा स्वादिष्ट रहता है सेहत के लिए भी। ये सादा नमक ये तो ज़रूरी है हमारे टेस्ट के लिए। और मिक्सर से बारीक करेंगे। और अभी सब सब्जियाँ बड़ी अच्छी आ रही है बाज़ार में, थोड़ा सा नमक का पानी में पहले सब साफ करके चून ली, कट कर ली, और फिर थोड़ा नमक डाल के, सादा नमक डाल के पानी में हमने अच्छे से धो लेंगे इनको। और तभी हम एक एक को देखेंगे फिर से कि कहीं कुछ कीड़ वगैरह तो नहीं है, और जैसे ज़रूरत के अनुसार नमक फिर से डालेंगे, पानी डालेंगे भरपूर, और अच्छे से धो लेंगे और उनका पानी निकाल लेंगे। फिर 2-3 बार एक बार धोएंगे। और ये गोभी वगैरह तो पहले ही नमक की ज़रूरत है, उसको कुकर में सब सब्जियाँ डालेंगे, ज़रूरत उतना ही पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी हम बिल्कुल ना डालें, क्योंकि वो फालतू वेस्ट होता है वो, यानी ज़्यादा गैस लगती है, जल्दी नहीं पकता, फिर पके तो फिर पानी निकालो। तो ज़रूरत उतना, जब सब्जियाँ गीली हो जाए तभी हम पानी डालेंगे। ये डाल रहे हैं हम बीटरूट, ये बड़ा सेहत के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, और कलर भी बड़ा खूबसूरत आता है। और सादा नमक हमने डाल लिया है 1 चम्मच, और बंद कर लिया है कुकर, और 3 सीटी करेंगे और फिर सीम करेंगे हम। अभी तवे पे हम
थोड़ा सा टमाटर और प्याज डाले, अदरक मिर्च का लिए पेस्ट डाला है। इधर हम पाव सेक रहे हैं और अदरक मिर्ची और लहसुन का पेस्ट हमने डाला है, भून रहे हैं अभी। टमाटर के साथ में अभी डाल रहे बटर, इससे और ही मज़ा आता है, बस खूब अच्छा लगता है, ये टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। और बच्चों को तो बहुत प्यारा लगता है ये। और अभी हम डालेंगे इस पर, हाँ, ये बनाया हुआ मसाला घर का एकदम ताज़ा, और खुशबू भी इसकी बड़ी अच्छे से आ रही है। पहले इनको सौते कर लेते हैं, थोड़ा सा डाला है पहले। अब सब्जियां डाल रहे हैं, सब्जियां हमने पहले स्मैश करके रखी थी। देखिए कितना मस्त कलर आया है, बड़ी अच्छी पकी है, इनका क्रंच नहीं जाना चाहिए। उबाले तो भी के बारीक बारीक टुकड़े उसमें रखना। अभी ये हमने डाला है टिकट लाल टिकट, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और फिर से एक बार स्मैश कर रहे हैं हम, और थोड़ी हमने हल्दी टिकट वगैरह भी डाला है, वो इसमें आया नहीं है वीडियो में। और कोथिंबीर डाली है हमने, और पाती का कांदा भी हम डालेंगे, और उसकी भी ताज़ा ताज़ा टेस्ट अलग ही लगती है। और बटर अगर आपको अच्छा लगे तो आप और ज़्यादा डाल सकते हैं। ये पाव भुनना हो गए हैं शुरू, और जैसे जैसे कोई आए तो ताज़े ताज़े भून के देना।